अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये है जी पोरे बनाने वाली मशीन, ठीक है। इसके अंदर लगे हुए ब्लेड, ये देख रहे होंगे आप, ये ब्लेड लगे हुए, ठीक है। ये इसका बैक साइड है, ये इसके साथ सैंडल लगा हुआ है। ये इसका बॉल है जो जिसके अंदर बोरे गिरते हैं। इसको यूं फिक्स कर लेना, इंज फिक्स कर लेना इनू, ठीक है। फिक्स करने तो बाद इंज ये किसी भी प्लास्टिक के बर्तनों वाली दुकान से मिल जाता है, 100-150 का मिलता है ये। इसके अंदर स्टील बॉडी में भी आता है, वो भी ले सकते हैं आप। ये प्लस हार्ड प्लास्टिक वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इतना ये बन गया, ये चीज़ बन गई, ठीक है। अब करना क्या है, रोटी लेते हैं हम। ये रोटी है ना, इसके चार पीसेस कर लेने हैं, ये आधी आधी, फिर इस तरह ये कर लिए हमने चार पीसेस, ठीक है। अब एक एक करके ये पीस हमने इसके अंदर करने हैं। ठीक है, अब थोड़ा ये फोर्स वाला काम है, इतना ईजी भी नहीं होता। मशीन को काबू करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। ये चेक करें, ठीक है। इस तरह करके इसके पूरे बन जाते हैं। बैग घुमाएं और इसको फ्रंट घुमाएं, बैग घुमाएं, इस तरह करके बहुत जल्दी आप कुछ ही मिनटों में 2-3-4-5 रोटियां बोरे कर लेंगे, ठीक है सर। इस तरह ये देखें हो गया, ऊपर से और रखें, चेक करें। थोड़ा फोर्स वाला काम है, जब रोटी हम एंटर करेंगे ना इसके अंदर तो फोर्स लेगा। इसके बाद बैग घुमाएं, फिर घुमाएं फ्रंट, इस तरह करके हो जाता है। इतनी भी नहीं फोर्स लगती, बस ये है कि थोड़ी सी जान तो लगती है। ये तो रोटी बच्चे पोरनी है तो फिर फोर्स तो लगेगी, मगर यह है कि हाथ ना लड़ती से तुम पोरे कर बह जाओ उतो काफ़ी घट टाइम लगता है। लो दैट्स इट, अद्धी रोटी पोरी गई है, ठीक है। पूरी रोटी पोरन तो बाद तुम मैं विखाना कि पोरे किस साइज के बनते हैं, की उन्होंने क्वालिटी है, ठीक है। ए रोटी जो घ्यो लगा होगा ना तो फिर ज़्यादा ईजीली हो जाएगी, थिंदी रोटी होगी ना तो ज़्यादा ईजी हो जाता है। इस तरह करके ये आखिरी टोटा रोटी का, बहुत ही आउटस्टैंडिंग पोरे हो जाते हैं यार। ये घट वक्त जे देखो हूँ आप 5 मिनट जे रोटी पोर ली है, ठीक है। हूँ मैं तुम्हें विखाना कि पोरे किस टाइप के हुए हैं, चेक करो जनाब। चेक कर रहे हो, एक रोटी पोरी गई, सही है। यह चीज़ है, ऐसी तरह अभी बहुत ज़्यादा रोटियां की मदद न बहुत जल्दी भोरे बना सकते हैं, ठीक है सर। ऐसी वीडियो जी थोड़े ने शेयर करनी थी, तो यह प्रोडक्ट तुम्हें मिल जाएगा किसी भी प्लास्टिक वाली दुकान है ना, प्लास्टिक बर्तन वाली दुकान वो तो मिल जाएगी, ठीक है। या कोई गलियां च भी आते हैं बर्तन वाले प्लास्टिक के, उन्होंने को भी मिल जाएगी, 100-150 की वैल्यू है।
ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਵਰ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਸਟੀਲ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ 400-500 ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਭੋਰੇ ਪੂਰੇ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਭੋਰੇ ਸੁਬਹਾ ਭੋਰੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਦਾਣਾ ਪਾ ਦੇਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਮਤ ਭੁੱਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੀਸੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪੇਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਟੇਕ ਕੇਅਰ